हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिलास किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड डेजर्ट और देखिए कितना टेस्टी और यमी दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप सबको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर दूध रख दिया है। मैं 1 लीटर दूध यहाँ पर ली हूँ और देखिए यहाँ पर कोई सा भी आप दूध ले सकते हैं, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क या पैकेट वगैरह के आता है दूध, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो गैस को मैं जला लेती हूँ और गैस धीमे कर देंगे, धीरे धीरे उबलेगा। तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर लूँगी और नॉर्मल दूध थोड़ा सा गर्म रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, वही डाल करके मैं इस तरह से इसका घोल बना ली हूँ। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि घोल में बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिएगा। देखिए दूध उबल चुका है, इसको कलछी से चला लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर और कलछी से चलाते जाएंगे। एक साथ में बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो वो लम्स बन जाएगा और बर्तन के तले में चिपक जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इसे। अब यहाँ पर हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार चीनी, आप कितना पसंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आप चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने चीनी डाल लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और दूध उबल रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो मैं 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर ले लेती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और दूध को हम उबलने देते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करके इसको छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट, अच्छी तरह से ये पक जाएगा। तब तक हम यहाँ पर ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, आप फ्रेस वाला ब्रेड लेना है यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा। तो हम इसको यहाँ पर कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसके किनारे जो ब्राउन कलर का है वो नहीं काट रही हूँ, इसी तरह से इसको मैं 4 पीसेस में काट लेती हूँ और इस तरह से मैं रखूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड्स को काट करके मैं रेडी कर लेती हूँ और बहुत ही इजी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है ना तो काटने में और ना ही इसे तलने में। तो इसी तरह से सारा मैं ब्रेड को रेडी कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके जो साइड के ब्राउन कलर के हैं पार्ट्स हैं उसको भी निकाल के बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसको निकालने की ज़रूरत है क्योंकि हमें फ्राई करना है। तो ये रेडी हो चुका है और चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो देखिए गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख लिया है और इसके अंदर मैं देसी घी डाल देती हूँ। तो थोड़ा पैकेट वाला है और थोड़ा सा देसी घी है घर का, तो दोनों मैंने डाल लिया है इसके अंदर और घी को हम गर्म होने देते हैं। तो देखिए गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, अब इसके अंदर हम ब्रेड डालेंगे। तो एक एक करके सारे ब्रेड डाल लेंगे, मतलब जितना कढ़ाई में आ सकता है उतना ही डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा हमें ब्रेड को फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा, इसका कलर बिल्कुल ब्राउन दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। लाइटली इसे फ्राई कर लेना है। तो मैं इसी तरह सारे ब्रेड्स को फ्राई करके मैं रेडी कर लेती हूँ। तो एक बैच मैं आप सबको दिखा रही हूँ और इसी तरह सारा मैं ब्रेड को रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने ब्रेड को ठंडा कर लिया है और यहाँ पर मैं बर्तन ली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं या कोई ट्रे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रे ली हूँ और इसके अंदर ही सर्व कर रही हूँ। तो आप सारा दूध इसके अंदर डाल सकते हैं या तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। तो मैं पहले थोड़ा डाल लेती हूँ और इसके अंदर को ब्रेड को मैं बिछा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारा ब्रेड मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है और इसे ठंडा होने के बाद में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए इस तरह से मैं लाइन बाई लाइन एक एक करके रख लेती हूँ। आप चाहें तो सारा एक साथ में डाल करके ऊपर से दूध डाल सकते हैं या तो सारा दूध डाल करके और ऊपर से इसको डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से डिजाइन टाइप का मैं इसको बिछा ली हूँ इसके अंदर में और ऊपर से दूध डाल रही हूँ। एक साथ में सारा नहीं डूबेना है इसलिए मैं इस तरह से रख रही हूँ, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी सौगी हो जाता है और दिखेगा नहीं। और इस तरह से रखते हैं तो थोड़ा ब्रेड दिखता है दूध में तो अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और बारीक इस तरह से काट लीजिए और इसे गार्निशिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर बादाम ली हूँ और पिस्ता ली हूँ।
दो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है और उसको गार्निशिंग कर रही हूँ। तो देखिए गार्निशिंग ये हो चुका है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में तो बिल्कुल पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसकी थोड़ी सी और खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर फ्लावर्स की कलियाँ डाल रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप रख सकते हैं और नहीं तो इसी तरह से इसे फ्रिज में रख करके आप खा सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट इसे फ्रिज में ज़रूर रखिए और फिर इसे सर्व करके खाइए। देखिए इसका टेस्ट और भी दुगना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टेस्टी डेजर्ट बनकर के रेडी हो गया है। अब चलिए मैं इसको आपको सर्व करके और काट के दिखाती हूँ ब्रेड को कि ये कैसा बना हुआ है। तो चलिए इसको प्लेट में हम डालते हैं। तो एक छोटा सा मैंने प्लेट ले लिया है और एक ब्रेड में निकाल करके आपको दिखाती हूँ काट करके स्पून से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। कभी भी आपको मन करता है खाने का कुछ मीठा, तो इस तरह से आप ब्रेड से आप बना सकते हैं मिठाई और खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।